दोस्तों जब बात आती है सिनेमेटोग्राफी की तो वहाँ पर लाइटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं गोडॉक्स की RGB LED लाइट स्टिक LC500R। जब मैंने इसे यूज़ किया अपनी कुछ सिनेमेटिक फुटेज के लिए तो मुझे मिले बहुत ही कमाल के रिजल्ट। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि ये बहुत ही आसान है यूज़ करने के लिए, बहुत ही हैंडी है और इसके जो आउटपुट है वो है बहुत ही कमाल का। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ सीधा शूटिंग पर ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने कैसे वो सीन्स को शूट किया और किस तरह की फुटेज हमें मिली। बट उसके पहले दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों शूट पे चलने से पहले जल्दी से कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या क्या आता है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। चलिए खोलते हैं डब्बा और यहाँ मैंने खोल लिया इस तरह से और ये देखिए ये आ गया है हमारा गोडॉक्स LC500R। चलिए खोलते हैं और देखते हैं इसमें अंदर क्या मिल रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत जो है इसका कैरी केस है। यहाँ मिल रहे हैं आपको मैनुअल वारंटी के सारे पेपर्स, पढ़िए ज़रूर। ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक चार्जर आ गया और यहाँ पे मिल रहा है हमको एक इसके अंदर रिमोट, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाइट वेट है, ये है RC R9 रिमोट। तो दोस्तों फाइनली आप देख पा रहे हैं ये हमारा असली प्रोडक्ट गोडॉक्स की RGB LED लाइट LC500R। ये आप देख पा रहे हो बहुत ही स्लीक, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ मिलते हैं हमें देखिए 2-way barn doors और बाकी के फीचर्स हैं दोस्तों शूट पे चल रहे हैं भाई, वहाँ मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, शूट भी करता जाऊँगा और इसकी फुटेज भी आपको दिखाता जाऊँगा। दोस्तों सिनेमेटिक फुटेज लें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके कुछ फीचर्स के बारे में जो मुझे बहुत अच्छे लगे। सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका अच्छा लगा गोडॉक्स LC500R का कि इसके अंदर आप जो कलर टेम्परेचर है वो 2500 केल्विन से लेके 8500 केल्विन तक आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये फीचर मुझे बहुत ही कमाल का लगा दोस्तों, क्योंकि सिनेमेटिक फुटेज में कलर टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी कि जब हम देखिए इस लाइट को मैं करता हूँ यहाँ से ऑन, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पर तो है आपको मिल रहा है इसमें CCT यानी कि कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर और यहाँ आपको मिल रहा है RGB, तो इसके अंदर दोनों ही मोड हैं CCT और RGB। अब दोस्तों लेते हैं एक सिनेमेटिक फुटेज और उसके लिए मैंने आज एक एक्टर को बुलाया है, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, प्लीज़ विनय कम ओवर हियर। सो ये विनय है, अपकमिंग एक्टर हैं, तो अगर आपको एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम ID जो है मैंने ऊपर लगा दिया है तो वहाँ पर इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो हम थीम यूज़ करेंगे दोस्तों वो करेंगे थोड़ा सा डार्क रूम जैसा थीम, तो मैं यहाँ थोड़ा रेड लाइट यूज़ करूँगा यहाँ से और इस लाइट को जो है मैं थोड़ा सा, विनय थोड़ा सा इधर आएंगे, हाँ विनय जस्ट मैंने जैसे बताया था उस तरह से आप थोड़ा एक बार खड़े हुए, जस्ट जो लुक था हमने डिसाइड किया था शॉट। और यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से थोड़ा सा लाइट को इस तरह से मैं लगाने वाला हूँ। अभी लाइट जल रही है क्योंकि सारी ट्यूबलाइट्स ऑन है और एक पीछे भी लाइट ऑन है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन इसको अभी हम पूरा लाइट को बंद करने वाले हैं डार्क रूम, ओनली दिस लाइट विल बी ऑन। तो ये लाइट जब ऑन रहेगा इस पर हम शूट करेंगे, देखते हैं फुटेज हमें कैसा मिलता है। तो देखिए लाइट हमने लगा दिया है, सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं और यहाँ पर अब इन्हें एक्ट करने के लिए बोलेंगे, आइए देखते हैं फुटेज। दोस्तों अब हम दूसरा सिनेमेटिक फुटेज लें, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एक और फीचर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैं इसे यूज़ कर रहा था, वो है दोस्तों इसका रिमोट कंट्रोल। अब ये जो रिमोट है दोस्तों इससे आप पूरी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सारे फंक्शंस जो है वो आप चेंज कर सकते हैं और आपको जिस तरह का भी इफेक्ट चाहिए वो सारा आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास कोई असिस्टेंट नहीं होता, हम अकेले ही काम कर रहे हैं, फिलहाल जैसे कि मैं अभी अकेला ही शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मुझे बहुत एक अच्छा इफेक्ट दिखाना है तो मैं अपनी लाइट को जो है बिल्कुल कंट्रोल कर पाऊंगा इस रिमोट से। एक फीचर जो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं ये गोडॉक्स LC500R एक लाइट स्टिक है, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर RGB जो मोड है वहाँ पर आप डिफरेंट कलर स्कीम के साथ में भी प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रखूँगा देखिए, और फिर जो है हम एक फुटेज लेंगे, लाइट में ऑफ करूँगा जब आपको एक्चुअल फुटेज दिखाऊँगा, और यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ देखिए इस तरह से डिफरेंट कलर स्कीम्स जिस तरह का भी मुझे इफेक्ट चाहिए, या लाइट को आपको कैसे शेप करना है आप लाइट को उस हिसाब से शेप कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्क्रू आता है फिलहाल मेरे पास, यहाँ आप स्क्रू करके आप इसको लाइट को लगा सकते हैं, फिलहाल मेरे पास में वो नहीं है,
तो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, हाथ में होल्ड किया है। तो आप अकेले भी जो है लाइट को इस डायरेक्शन में लगाना है आपको, या आपको इस डायरेक्शन में लगाना है, या लाइट को आपको इस डायरेक्शन में रखना है, या लाइट को आपको इस डायरेक्शन में रखना है, वो सारे काम आप इस लाइट पर कर पाएंगे। तो अभी हम जो सिनेमेटिक फुटेज लेंगे दोस्तों, वहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि इस जो RGB जो लाइट स्टिक है, यहाँ पर हम सारे लाइटिंग मोड जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। सो ना केवल अभी आप देख पाएंगे कि मॉडल का जो स्किन है उसका कलर चेंज हो रहा है, बल्कि जो बैकग्राउंड है वो कलर भी आप जो है बहुत इफेक्टिवली चेंज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डिफरेंट बैकग्राउंड। तो वो भी आपका एक खर्चा बचता है, तो आप वो सारा इफेक्ट इस छोटी सी लाइट के साथ आप कर सकते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. दोस्तों, अगर आप एक फिल्म मेकर हैं, या आप शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, या तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, तो उनके लिए एक परफेक्ट लाइट शेपिंग टूल है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी दोस्तों इसके अंदर, आप देख पा रहे हैं जो बांडोर आए हैं, अब बांडोर ना केवल लाइट को थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं, बल्कि आपको लाइट को जो है पूरा कंप्लीटली अच्छा खासा डायरेक्शन भी देते हैं। तो अभी मैं जो फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ उसका CCT मोड, और CCT मोड के अंदर सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपके पास अगर इसका रिमोट है तो आप यहाँ से जो है कलर टेम्परेचर आप बिल्कुल रिमोट से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं शूट कर रहा हूँ 2500 केल्विन पे मैंने रखा है अपना कलर टेम्परेचर, उस पर लेंगे एक शॉट, और थोड़ा सा ड्रामेटिक शॉट है जैसा कि आप सिनेमा में देखते हैं। तो यहाँ मैंने खाली एक्टर को बोला है थोड़ा सा परफॉर्म करने के लिए, थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन, किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अभी वो शॉट देखते हैं फाइनली कैसा निकल के आता है। तो हमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा देखिए मैंने लाइट को इस तरह से ऊपर लगाया है। अब बांडोर होने की वजह से जो लाइट बहुत ही डायरेक्शनल है और सीधा फेस पे आ रही है, और एक्टर को भी मैं बोलूँगा फ़ोन के ऊपर थोड़ा सा वो चिल्लाने का, जो भी इनका एक सीन था हमने बताया था एक स्क्रिप्ट के हिसाब से। और आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि अब जो कलर टेम्परेचर है वो भी हमने बहुत ही एक्यूरेट रखा है, ताकि जो लुक है वीडियो का, जो हमारा फुटेज निकल के आएगा, वो भी एक बहुत ही अच्छा थोड़ा सा नेचुरल लगेगा, और पता नहीं चलेगा कि हमने इस तरह से लाइट को शेप किया उनके फेस के ऊपर। देखते हैं फुटेज। दोस्तों एक बात मुझे इस LED लाइट स्टिक में बहुत ही अच्छी लगी, वो है कि इसमें कुछ आते हैं प्रीसेट मोड्स, या आप उन्हें कह सकते हैं कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वाले मोड्स। यहाँ पर अगर आपको कोई लाइटिंग का खास नॉलेज नहीं है तो भी ये आप बहुत आसानी से इसे यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रीसेट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कैंडल लाइट, या इस तरह से देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे कैंडल लाइट पे, या आपको थंडरिंग मोड चाहिए, या आपको एम्बुलेंस मोड चाहिए, या आपको जो है SOS मोड चाहिए, या आपको जो है पार्टी मोड चाहिए। तो ऐसे कुछ मेरे ख्याल से 13-14 इसके अंदर स्पेशल इफेक्ट्स मोड्स आते हैं। तो अगर आपको बेसिक लाइटिंग का भी नॉलेज नहीं है तो भी आप आसानी से इस LED लाइट स्टिक को यूज़ कर पाएंगे और शानदार सिनेमेटिक फुटेज जो है वो कैप्चर कर पाएंगे। चलिए अब इसके प्रीसेट्स के कुछ नमूने देखते हैं हम। तो सबसे पहले नमूना देखते हैं हम पुलिस लाइट इफेक्ट का। और अगला नमूना रहेगा हमारा कैंडल लाइट इफेक्ट का। और अब देखते हैं दोस्तों हमारा अगला नमूना, वो रहेगा हमारा थंडर लाइट इफेक्ट का। अब दोस्तों बात करते हैं फोटोग्राफी की। तो फोटोग्राफी के अंदर ये कैसे परफॉर्म करती है हमारी LC500R, देखते हैं कि कुछ हमें पिक्चर्स पर अच्छे मिलते हैं कि नहीं। तो मैं लेता हूँ विनय के कुछ पिक्चर्स। तो दोस्तों आपने देखा
गोडॉक्स की LC500R LED RGB लाइट स्टिक कितनी कमाल की है। ना केवल आपको इसमें अच्छी सिनेमेटिक फुटेज मिली बल्कि आप इसको फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर पाए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक ऐसा लाइट शेपिंग जो गियर है, या हम इसे कहेंगे कि एक ऐसी लाइट है जो कि हर फोटोग्राफर के पास में और हर वीडियोग्राफर के पास में होनी चाहिए। ज़्यादातर जो लोग प्री वेडिंग शूट्स करते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, म्यूज़िक एल्बम शूट करते हैं या किसी भी तरह का जो है सिनेमेटोग्राफी करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन आपको लाइट शेप करने के लिए मिलती है इसके थ्रू। तो भाई ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से सभी वीडियोग्राफर्स और सभी फोटोग्राफर्स के पास में होना ज़रूरी है। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको फुटेज कैसी लगी और फोटोज़ कैसे लगे मुझे कमेंट करके नीचे आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलता है फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।